केंद्र सरकार ने बीते दिन लॉकडाउन को 2 हफ्ते आगे बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए, जिसके बाद लॉकडाउन की तारीख 3 मई से अब 17 मई हो गई है। देश में अब तक कोरोना के 37,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और करीब 1200 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा अभी भी लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का यह फैसला कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया है, ताकि देश में फैली इस महामारी से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए सभी जिलों को 3 जोन में बांटा हुआ है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के 19 जिले रेड जोन में हैं, जिसमें लखनऊ, आगरा, मेरठ, कानपुर नगर, रायबरेली, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर भी शामिल हैं। जिले में 10 से ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या जिले को रेड जोन में ले आती है और स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावित इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित कर सील किया जाता है, जबकि जरूरी सामान जैसे खाद्य सामग्री या दवाई प्रशासन द्वारा बनाई गई टीम के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है। यदि आपको आवश्यक काम से बाहर निकलना है तो कार में बैठकर 2 लोग जा सकते हैं और बाइक पर केवल 1 ही व्यक्ति को छूट दी गई है। इसके अलावा रेड जोन के कंटेनमेंट एरिया में किसी भी तरह की गतिविधि नहीं होगी। 10 से कम कोरोना मरीजों की संख्या आपके जिले को ऑरेंज जोन में लाती है और यूपी के 35 जिले ऑरेंज जोन में हैं, जिसमें हापुड़, गाजियाबाद, बदायूं, बागपत, प्रयागराज, झांसी और गोरखपुर भी शामिल हैं। ऑरेंज जोन में आपको कुछ शर्तों पर रियायत मिल सकती है। ऑरेंज जोन में हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर सभी स्थानों पर जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन सामाजिक दूरी का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। अब बात करते हैं ग्रीन जोन की। यूपी के 20 जिले ग्रीन जोन में हैं, जिसमें महाराजगंज, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, अमेठी, सोनभद्र और कानपुर देहात भी शामिल हैं। 3 मई के बाद जारी किए गए नए नियमों के अनुसार अब अगर किसी जिले में 21 दिनों से कोई कोरोना वायरस का नया केस नहीं आता है तो वह ग्रीन जोन में आएगा, जबकि 3 मई से पहले यह समय 28 दिनों का था। केंद्र सरकार की ओर से जारी नए नियमों के अनुसार ग्रीन जोन में जरूरी यातायात को भी इजाजत दी गई है। बसों में कुछ यात्री दूरी बनाकर सफर कर सकेंगे। ग्रीन जोन में सरकारी अस्पतालों की ओपीडी को इजाजत दी गई है। जरूरी हवाई यात्रा और निजी कैब की भी छूट ग्रीन जोन इलाकों के लिए कुछ शर्तों के साथ दी गई है। यदि आपको किसी आवश्यक कार्य के लिए जाना है तो एक कार में ड्राइवर समेत 3 लोगों को इजाजत दी गई है, जबकि मोटरसाइकिल पर केवल 1 व्यक्ति को ही इजाजत दी गई है। अन्य किसी जिले या राज्य में जाने के लिए आपको गृह मंत्रालय से इजाजत लेनी होगी, यानी बिना पास के आपको कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब देखना यह है कि भारत सरकार कोरोना वायरस से भारतवासियों को कब तक बाहर ला पाती है। तीसरे चरण का ये लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, यानी 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि देश में अभी तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 37,000 के पार पहुंच गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1200 के पार पहुंच गया है। देश में सभी जिलों को 3 जोन में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में जो ज़िले हैं देश के सभी जिलों को बांटा गया है, ताकि लोगों को जोन के हिसाब से राहत मिल सके। केंद्र सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उससे साफ जाहिर है कि जो लॉकडाउन की तिथि अब 17 मई तक हुई है, अगर ऐसे ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो ये संख्या और ये लॉकडाउन की जो तारीख है वो आगे तक बढ़ जाएगी, यानी कम से कम 30 मई तक और चौथे चरण में आगे बढ़ा दिया जाएगा। कैमरा पर्सन शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।